नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दहेज विरोधी सामूहिक विवाह की बैठक सम्पन्न। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के पटेल इंटर कॉलेज उर्दिया में 29 अगस्त को गोवर्धन जन कल्याण सेवा समिति द्वारा दहेज विरोधी सामूहिक विवाह की बैठक की गई। बैठक के आयोजक राम शकर सिंह पटेल ने आगंतुकों का माला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। तत्पश्चात बैठक की शुरुआत हुई। बैठक के मुख्य वक्ता मौलाना ताहिर मदनी, डायरेक्टर जामियातुल फलाह बिलरियागंज ने बताया कि दहेज को मिटाने के लिए हमें खुद को जगाना होगा, समाज को जगाना होगा और साथ ही साथ सबसे ज्यादा महिलाओं को भी जागृत करना होगा, क्योंकि जब किसी लड़की की शादी होती है उसके लिए लड़की की माँ बहन और घर के अन्य महिलाएं भी चाहती हैं कि हमारे घर में अधिक से अधिक आए। उन्होंने कहा कि ये एक अभिशाप है, इसके लिए राम शकर सिंह पटेल ने जो कदम बढ़ाया है वो सराहनीय है। इस मौके पर महात्म यादव, डॉक्टर इस्तिखार, साकित राम, संजय गुप्ता, विवेकनंद पटेल, राम प्रसाद आदि लोगों ने अपना विचार व्यक्त किया। साथ ही साथ चंद्रशेखर सिंह ने स्वागत गीत गाया और नागेंद्र पटेल, कुमारी आस्था आदि लग्न ने भी गीत गाकर दर्शकों का मन मोह लिया। इसके अलावा इस मौके पर तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर जहीर सिद्दीकी, महान समाजसेवी व संचालन रविंद्र ने किया। न्यूज 9 भारत के लिए रोशन लाल की खास रिपोर्ट। बहुत बड़ी नेमत हो और आपने कहा कि अगर कोई एक बच्ची की देख रेख करता है, परवरिश करता है, उसकी शादी ब्याह करता है, उसके लिए ईश्वर जन्नत में घर बनाता है, वो बहुत बड़ा पुण्य का काम करता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात थी, कुरान में आयत नाजिल हुई, वैजल मऊद तो सोहेलत बेबिन कुतिलत। याद करो, जब क़यामत का दिन होगा, हिसाब किताब के लिए पेश किया जाएगा, तो उस वक्त क्या होगा, जिस बच्ची को जिंदा दफन किया गया है वो खड़ी होगी और ईश्वर पूछेगा कि बताओ तुमको क्यों कत्ल किया गया था, तुमको क्यों मारा गया था। तो जिसने जिंदा दफन किया है वो क्या जवाब देगा ईश्वर के सामने, वो क्या जवाब दे सकता। जब ये बात जहन के अंदर बैठेगी, जब ये सोच पैदा होगी, तो समाज में सुधार होगा। कानून हर जगह नहीं पहुंच सकता है, कानून के साथ साथ इस बात की जरूरत है कि हमारी सोच बदले, हमारा ख्याल बदले, हमको ये एहसास हो कि जो कुछ करते हैं उसका हमें जवाब देना है, उसका हमें हिसाब किताब देना है। आज अगर हम दहेज के नाम पर किसी लड़की को जला देते हैं तो कल हम मुंह क्या दिखाएंगे, जब हिसाब किताब के लिए हम पेश होंगे, जब हिसाब किताब के लिए हमारी पेशी होगी। इतनी बड़ी तब्दीली आई उस समाज के अंदर कि इतना आज मैं बताऊं आपको, सऊदी अरब वगैरह में शादी ब्याह का जो तरीका है उसमें अगर किसी के यहाँ बेटी है तो उसको कोई चिंता नहीं करनी है, उसको कोई फिक्र नहीं करनी है। जो लड़के हैं वो परेशान रहते हैं, क्योंकि शादी का जितना खर्चा है सब लड़के और उसके बाप के ऊपर होता है, लड़की और उसके घर वाले के ऊपर एक पैसे का खर्चा नहीं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।